अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस तरह से लाइफ आने का मकसद या ये वीडियो बनाने का मकसद कतन कोई हमदर्दी हासिल करना नहीं है, लेकिन शायद ये बताना है कि हमारे मुआशरे में औरत की क्या वैल्यू है, या मैं सही अल्फाज में बोलूँ कि औरत की औकात क्या है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, बट कल रात से ही हुआ व्हेन आई वाज मग्ड। और मुझे किसी आम औरत की तरह नहीं डराया धमकाया नहीं गया, क्योंकि मेरे साथ कोई मर्द नहीं था जिसके सर पे गन रख के मेरा जेवर उतार लिया जाता। मैं अकेली थी, मैं अपनी महाफिज खुद थी, काम से वापस आ रही थी। मेरा मुंह दबाया गया, मुझे हाथ लगाया गया, क्योंकि शायद मैं बाजार अकेली जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, या मैं खानदानी नहीं हूँ। और शायद मेरा कसूर ये है कि मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, गलत को गलत कहने की जुर्रत की। एंड वो कहते हैं ना कि जो सच बोलेगा तो उसे उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आप जो सब मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे पसंद करते होंगे, कुछ आई एम श्योर नहीं करते होंगे, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई अकेली मेरी मेरी नहीं है, ये अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, ये सब औरतों की लड़ाई है जो मुझे देख रही हैं, जो मेरी वीडियो बाद में भी देखेंगी। ये हम सब की लड़ाई है जिनकी आवाज़ को रोज़ छीनने की कोशिश की जाती है, जिनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, ये हम सब की लड़ाई है। कल रात सिर्फ मेरे पैसे, मेरा फ़ोन, मेरी ज्वेलरी नहीं छीनी, बल्कि वो बचा कुचा एतमाद भी छिन गया, जिसका मुझे एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से एहसास दिलाया जा रहा था कि मुझे सच बोलने की सज़ा मिलेगी, एंड वो सज़ा मुझे मिली। बट मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ किसी से, हक पे आवाज़ उठाई है और इसके ऊपर डटी रहूंगी। आई एम स्टिल एज स्ट्रांग, इनफैक्ट मैं कल रात के बाद आई हैव कम आउट स्ट्रांगर। थैंक यू एवरी वन हु हैज स्टूड बाय माई साइड, थैंक यू सो मच। बस अपना ख्याल रखें, ख्याल रखें, क्योंकि कोई और नहीं रखेगा आपका ख्याल। और हमेशा याद रखें कि हम सब इंसान हैं, किसी की जागीर नहीं है। थैंक यू।